और शेर बाबू, खाने के लिए छुट्टी दे दी है मजदूरों को। अच्छा, आओ, इधर आओ। छोटी बहू, बड़ी हवेली की एक अंधरात मैं तुड़वा रहा हूं आज इसे। मैं कभी क्या शान थी इस हवेली की। बरसों पहले जब मैं देहात से कलकत्ते आया और पहली बार इस हवेली को देखा, क्या शान थी। जीजा जी, कब आए तुम कलकत्ता? अरे भाई, पिछले हफ्ते तो तुम्हारी मुझे चिट्ठी मिली, उसमें क्यों नहीं लिखा कि तुम आ जा रहे हो? तुम भी हद करते हो भैया, आने से पहले अगर एक पैसे का अरे भाई, आने से पहले एक पैसे का पोस्टकार्ड डाल दिया होता तो क्या हम तुम्हें स्टेशन लेने नहीं आते? जीजा जी, यहाँ पर्दा। यहाँ ऊपर रहते हैं हम। आओ।
सीधे फाड़ कर उधर क्या देख रहे हो? ऐसा कभी नहीं करना, कभी नहीं। मंझले बाबू थे वो, बड़े बाबू के मरने के बाद वही इस घर के कर्ता धरता है। पर वो सब गए कह रहे? अरे गए हैं कहीं, तुझे क्या, चल दूर रहो इन लोगों की बातों से। जब तक इस घर में हो कुछ भी ना देखना, कुछ भी ना सुनना। चलो चलो, बड़े लोग हैं वो, बड़े लोग। पर अगर हम अपना स्थान ना भूले तो वो हमारे लिए बुरे नहीं। अब देखो ना, हम मास्टर बनकर आए थे इस घर में बच्चों को पढ़ाने। उन बच्चों ने पढ़ना लिखना तो कब का छोड़ दिया है, लेकिन हमारी तनख्वाह और इस घर में सर छुपाने की जगह दोनों अब तक बनी। और घबराओ नहीं, बनी रहे, तुम हमारे साथ रहो और जी भर के कलकत्ता देखो। वो तो देखा जीजा जी, दादा रे दादा, इतने बड़े बड़े मकान है यहाँ, इतने बड़े बड़े मकान कि हमरी तो गर्दने हैं। यहाँ की हर बात बड़ी है भैया, मकान बड़े, लोग बड़े, नाम बड़े, दाम भी बड़े। तुम्हारे फतेहपुर में जो दूध रुपए का 20 सेर मिलता है, जानते हो यहाँ कितना मिलेगा? 11 सेर। सिर्फ सिर्फ कहा ना, यहाँ की हर बात बड़ी और सारे बड़प्पन का बोझ हम छोटे लोगों की गर्दन पर है। या तो गर्दन ऐंठ जाती या मरोड़ी जाती। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी पक्की कर ली मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में। मोहिनी सिंदूर? वो जनाने दफ्तर मां हम का कर भेजी जाजी? सिर्फ नाम जनाना है, काम जनाना नहीं होगा। तनख्वाह भी मोटी, महीने के रुपए 7 और दोपहर का खाना अलग। खाना? खाना भी जीजा जी, हम जितना जी चाहे खा सके थन। जितना जी चाहे, पर ये क्या गवारपन है, ऊपर बैठो। अरे ऊपर बैठो, ये बिस्तर तुम्हारे लिए ही बिछाया है। हाँ, उस दफ्तर के मालिक सुबह ने बाबू है तो ब्रह्मो समाजी, पर आदमी हीरा है। पर जीजा जी, ब्रह्मो समाजी तो मलेच होते हैं, फिर हम उनके यहाँ खाना कैसे खाएंगे? चिंता ना करो, उनके हांडी बर्तन के लिए एक महाराज नौकर है। मास्टर बाबू, मास्टर बाबू। कौन? निवारण इस समय? खैर तो है, जल्दी चलिए, बहु बाजार में गोरों ने फिर गोली चलाई है, इसीलिए मोर्चा लग। तुम आराम करो छोटे भैया, हम आते हैं थोड़ी देर में। छोटे बाबू बाहर आओ। हम समझ गए, समझ गए कि कौन है आप। साले बाबू? हमारे मास्टर बाबू के साले बाबू नहीं हो का? गजब करत हो साले बाबू, गजब गजब। और नहीं तो का, ये अंधेरे में काहे बैठे हो? वो बिलायती लैंप जलाना नहीं जानत हो का? जरूर नहीं जानत हो। हमका डर रहा कहीं वो चिमनी उमनी फूट न जाए। डर तो होवे करी है, जब हम पहले पहल हिया आए तब हमें भी यही डर रहा, पर वो चिंता आफत की परकाला है। हजारन चिमनियां तोड़ चुकी है, हजारन। अरे खड़े काहे माए बाप, बैठो ना। जानत हो ई घर में कितो नुकसान हुई जाए, पूछे वाला कोई नहीं, अजीब घर है। अजीब? हाँ, हमरे छोटे सरकार को तो देखन हुई हो नहीं? अरे अभी जो गए टमटम में, जानत हो कहाँ गए है? अरे वही तो है सारे फसाद की जड़, फिर कभी बताए बे तो का,
ई घर मा तो हमें काम काज के मारे बात करे के भी फुर्सत नहीं। अब चले। मास्टर बाबू, देश के उद्धार और देश की आजादी के लिए भी ब्रह्मो समाज के नियम सबसे उत्तम है। केवल उन्हीं नियमों से देश में एक नई जागृति पैदा की जा सकती है। दो चार बम फेंक देने से काम नहीं चलेगा। कल बहु बाजार में जिसने भी बम फेंका, मूर्खता का सबूत। जी हाँ जी हाँ, आप वो आप अपनी फैक्ट्री में एक नया कारकुन रखना चाहते थे ना, सो उसके लिए एक लड़का है। लड़का? कैसा लड़का है? है तो देहात का, पर पढ़ा लिखा है। इतना मेहनती और ईमानदार लड़का है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बाहर खड़ा है। बाहर? जी हाँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बुलाइए उसे, अंदर बुलाइए। जी अच्छा। छोटे भैया, छोटे भैया, उस सीढ़ी से सीधे ऊपर आ जाओ, उस बरामदे वाली सीढ़ी से। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? ओ जी हाँ, तो महाशय बम फेंक रहे हैं लोग। अरे भाई, पहले समाज की त्रुटियां दूर करो। झूठी शान, आडंबर, धर्म के नाम पर घिसे हुए रीत रिवाज। जी आप कुछ कह रहे थे ना, घिसे हुए रीत रिवाज। हाँ हाँ, हाँ घिसे हुए रीत रिवाज, इन सबको।
ये है हमारे रिश्ते के साले। मेरी स्वर्गवासी पत्नी ने इन्हें राखी बांधी थी, अभी अभी कलकत्ते आए। अच्छा आइए बैठिए। चाय पियेंगे आप? दूध पीते हैं हम, पर अभी नहीं। अभी तक कहाँ रहते थे ये? जी गांव फतेहपुर पोस्ट गाजना जिला नदिया। गांव फतेहपुर नदिया जिला वाला? जी हाँ। आप उस गांव को जानते हैं क्या? जी क्या नाम है आपके साले बाबू का? भूतनाथ। भवा यही रहा कि हुआ ये था कि हमारा जन्म हुआ शिवरात्रि को, इसीलिए हमारी बुआ ने हमें नाम दे दिया भूतनाथ। जी जी जवा बेटी, हंसी ठट्ठा चपलता के लक्षण है और वो हमारी समाज की लड़कियों को शोभा नहीं देते। हंसे हंसने दीजिए इन्हें, हम तनिक बुरा नहीं मानते। हमारा नाम सुन के तो सभी हंसते हैं। क्यों जीजा जी हंसते हैं ना? मास्टर बाबू जी, आपके साले बाबू बड़े सीधे साधे मनुष्य बेचारे। हाँ तो भूतनाथ बाबू, मन चाहे तो आज ही से काम शुरू कर दीजिए। क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा तो चलिए मैं आपको सारा काम समझा दूंगा, आइए। जी नए हैं? मिलेगा क्यों? क्यों दीदी मनी भंडार से खुद नाप तोल कर रसद देती है। आपके हिस्से की जितनी रसद दी वो पका के सामने रख दी, और कहां से रहा? ये जुल्म है सरकार बाबू, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे अपनी जमीन चाहिए जमीन, मैं उसे यहाँ से वापस लेकर ही जाऊंगा। बंद करो ये सब बकवास, आगे कुछ कहा तो जबान खींच ली जाएगी। मैं चुप नहीं रहूंगा, जो जमीन आप लोगों ने जबरदस्ती छीनी है मेरे बाप दादा की जमीन है वो। कह दो अपने इन बाबू लोगों से, अगर इस गरीब की हाय ली उन लोगों ने तो उनका ये चौधरी। छबीला दामाद लाए हैं मंदिर, सारे कलकत्ते में नहीं होगा। धन तो नहीं पी गए हो? सरकार ऐसा दामाद सारे हिंदुस्तान में ना हो। जरा आंखों की चमक तो देखिए। सरकार वो छेनी दत्त जो हमारी बराबरी करता है ना, उसके दांत खट्टे कर दिया। सरकार छेनी दत्त ने भी अपनी बिल्ली की शादी की थी हिंदुस्तानी बिल्ले से। ये
जब मैंने उसे बताया कि हमारे दामाद राज खास ईरान से आए हैं तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सरकार की शान में हमेशा घटिया बात बताओगे तुम, अरे असली बात बताई होती। सरकार, मैंने छेनी दत्त को सुनाया कि हमारे सरकार ने अपनी बिल्ली की शादी में 10,000 रुपए खना खन गिन दिए, तो छेनी दत्त वो भौचक्का हुआ कि आंखें भेंगी हो गई उसकी। सरकार, अबे ओ बेनी, गधे के तुम ठीक से पंखा झलना, देखता नहीं सरकार की गर्दन पर पसीने की एक बूंद चमकने लगी। ई घर में तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं, ये समझो सारा काम हमरे जिम्मे है। वो चिंता तो बैठी मक्खियां मारा करती। चिंता? चिंता माय बाप चिंता, हमारी बहन जानत हो किसकी नौकरानी है, छोटी बहुरानी की, पर हमो कुछ कम नहीं, हम भी छोटे बाबू के खास नौकर है। खास? वही छोटे बाबू ना जिन्हें उस रात तुम सहारा देकर बैठक में ले गए थे। उस रात? हर रात हम उन्हें सहारा देकर बैठक में ले जाते हैं। बताई साले बाबू, हमारे छोटे सरकार नशा करत है, नशा। बोतल चढ़ाई के 4-5 बजे तड़के घर लौटत है, जैसे बैठक में पहुंचे तखत पोस्ट पर ढेर हो जाते है, ऊपर जावे का नाम ही नहीं लेते। पर वो सारी रात रहती कहाँ? और कहाँ रही है, वो पतुरिया है ना चुन्नी दासी, उसके चक्कर में वो दीवाना है दीवाना। हमरा बस चले तो बीज बाजार हम उस पतुरिया की चुटिया काट ले। छोटे बाबू को ऐसा फांसे है वो चुड़ैल कि हमरी छोटी बहुरानी छोटे बाबू के दर्शन का तरसा करती। वही बहुरानी ना जो बहुत रात गए बिरह गाया करती है? अब बिरह ना गई है तो कमलहार गई है। अरे जेका मर्द अपनी औरत से मुंह फेर ले वो बेचारी दांत फरियाद न करी है तो और का करी है। हमरे छोटी बहुरानी बहुत दुखी है साले बाबू, आप उनका देखियो नहीं, चांद में दाग है पर उनमा दाग नहीं। पर एक पतुरिया के लिए हमरे छोटे बाबू ऐसी पत्नी का छोड़े है। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे नेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। मेरी जान, ओ मेरी जान, मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। प्यार के पैर
तो विनय बाबू हैं? जी नहीं, समाज में गए हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या? ये प्रूफ ठीक कराना था उनसे, इस इश्तेहार को आज ही छपना है। लाइए मैं ठीक करवा देती हूँ। वो सब याद है मुझे, आप पढ़ते जाइए, मैं सुन रही हूँ। मोहिनी सिंदूर के अद्भुत चमत्कार, जो प्रेमी या प्रेमिकाएं विरह की आग में भस्म हो रहे हों। रुक क्यों गए, आगे पढ़िए ना। जी। या जिनके मिलन में अड़चने या बाधाएं हों। आगे। जी। या जिन प्रेमियों की प्रेमिकाएं उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। क्या? उनके पास तो हैं पर हवा नहीं करती। ठीक कर लीजिए उसे यूं, उनके पास तो है पर परवाह नहीं करती। जी जी। दीदी मली, संजा के लिए बाजार से क्या सब्जी आएगी? नीचे चलो, मैं बताती हूँ आके। आगे पढ़िए। एक बात पूछें आपसे। क्या? भंडार से रसद निकाल के कौन देता है? क्यों? कुछ नहीं, यूं ही। मगर क्यों? या जिनके प्रेमी या प्रेमिकाएं इनसे रूठ चुके हों, दूर दूर रहते हों, इन्हें चाहिए कि हमारे विश्वविख्यात मोहिनी सिंदूर का सेवन करें, असर न होने पर दाम वापस, कीमत एक रुपये पांच आने। ठीक है, मैं चलो। कारकुन बाबू, जबा दीदी से उस दिन हमारी चुगली लगाया है ना, पर इसका फल अच्छा ना होगा। मगर हम तो सोच विचार कर चलो कारकुन बाबू, हमसे बैर किया तो एक दिन भी ना टिक सकोगे यहाँ। आप जैसे जाने कितने बाबू लोग आए और चले गए, समझे? भूतनाथ बाबू, जा तो इधर आओ सामने। इस महाराज ने आपसे क्या कहा था? जी कुछ तो नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। जी मैं तो, अगर आप झूठे नहीं तो क्या मैं झूठ बोली हूँ बाबा से? जी बनिए मत, मैंने अपने कानों सबको सुना है, साफ साफ बताइए क्या कहा था इसने। सिर्फ इतना कि अगर मैंने इससे बैर किया तो मैं यहाँ टिक नहीं सकूंगा। और ये बात आप चुपचाप पी गए, धिक्कार है आप। चल निकल निकल घर से। आप सिर्फ झूठे ही नहीं बुजदिल भी हैं। फौरन आके इसकी शिकायत क्यों नहीं की आपने? दरअसल मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए। बातें ना बनाइए, उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना भंडार से रसद कौन निकालता है, आपका ख्याल था मैं ही आपको खाना कम देती हूँ, है ना? जी जी मैं तो, मैं पूछती हूँ आपके लिए कम रसद क्यों निकालूंगी भला, क्या बैर हो सकता है मुझे आपसे? आपको पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा आपका संबंध ही क्या है?
ये क्या, आप अभी तक घर नहीं गए? मुझे सुविनय बाबू से कुछ बात करनी थी। ऊपर है वो जी, मगर मुझे आपसे भी कुछ बात करनी थी। कीजिए। देखिए, मैंने बहुत सोचा। सोच लेते हैं आप जी। क्या सोचा है आपने? यही कि सारा दोष मेरा ही था। मुझे पहले ही उस महाराज की शिकायत करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए। बस क्या देख रहे हैं? यही कि मेरी वजह से वो महाराज निकाला गया। और देखे ना, अब कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है आपको। फिक्र न कीजिए, खाने पकाने की आदत है मुझे। पर ये देख के तो आप डर ही गए होंगे। डर? डरूंगा क्यों? इसलिए कि कल से तो आपको मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा ना। एक मलेच के हाथ का खा सकेंगे आप? हर बार मुझसे ताने की बात क्यों करती हैं? और कैसी बातें चाहते हैं आप मुझसे? जी, मैं हिचकिचाइए नहीं, कह भी डालिए। मैं चलूं। चल दिए। आपने कहा था ना, बाबा से भी कुछ बात करने आए थे आप, उनसे माफी नहीं मांगेगा? कल सवेरे मांग लूंगा। कल सवेरे तो आप मुझसे भी माफी मांग सकते थे, या आज रात ही जरूरी था? क्या है? रात अंधेरी है और हर तरफ सन्नाटा। जी, घर तक पहुंचाने के लिए दरबान साथ कर दूं? जी नहीं, मैंने आपकी तरह चूड़ियां नहीं पहन रखी। भाग का चक्कर है साले बाबू, आप कहा बताए? छोटे बाबू कल से घर नहीं लौटे, साथ चलो, खुद ही समझ जियो। पर बंसी, चलो चलो। इलाज के लिए जो की जरूरत पड़े तो कीचड़ में भी जाना पड़ता है। गुल्लो, कहा तोरी मालकिन कहा है? घबराओ नहीं, तोरे मालिक अकेले हैं इस समय, हमारी मालकिन तो अलग सिंगार करते है। यही ठहरो, हम आई थे। हाँ, बंसी माय बाप। क्यों आया? यहाँ क्यों आया उल्लू की तुम? कल बहुरानी अष्टमी का उपास रखी रहा माय बाप, और आप घर नहीं आए। तनिक अपने पैर का अंगूठाई पानी में छुआई। जब तक बहुरानी आपके पैर छुआ पानी ना पी ली है, उपास नहीं तोड़ सकती। कल से भूखी बैठी है बेचारी। बैठी रहे, सतीपन लिखा कि मुझे क्यों तकलीफ देती है? आपको बिल्कुल ही तकलीफ ना हुई माय बाप, बस अंगूठा छुआई दिए, सिर्फ कोर। अबे जा, दूर चल निकल।
गिलास माई बाप गिलास। अबहीन खिसक चलो साले बाबू अबहीन। गजब करत हो साले बाबू। बंसी बंसी वो क्या चीज जा रही है? चीज का कहत हो साले बाबू? वो तो बड़ी बहू है, बड़ी बहू छुट्टन बाबू की माँ, गंगा स्नान करे जाती। गंगा स्नान उस मसहरी में? हाँ हाँ, खुद तो गंगा स्नान करेंगी, साथ साथ उस मसीरी को भी गंगा स्नान करवाएंगी। इतना पर्दा करती हो? अरे सिर्फ पर्दा करे तो ठीक, उन्हें तो छूत छात का भी रोग है, विधवा जो ठहरी। साले बाबू बहुत ही नाजुक काम है तो उसे। आवा, हाँ। क्यों को बतायो नहीं? छोटी बहुरानी तोहका अपने कमरे में बुलाई है। क्या हमें बुलाया है? हाँ हाँ, रात को। रात को? मगर हम तो मर्द है ना? हाओ हाओ। मतलब ये कि पराए मर्द जनाने में आए जाए, ये तो यहाँ की रीत नहीं है। तो नहीं, पर फिकर ना करो, हम तो का लुकाई छुकाई के ले जाबे आज ही रात को, समझे? अब चले, ये घर मा तो हमें काम काज के मारे बात करे की भी फुर्सत नहीं। जैसे हो कोई बेगाना,
भंवरा बड़ा नादान है। खांस लेते हैं आप जी? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं खांसे आप? चुपके चुपके मेरी कविता सुनने का आपको क्या दिखा रहे? टुकुर टुकुर मुझे क्या घूरते हैं? चलिए काम शुरू कीजिए अपना। साले बाबू चलो। पर बंसी कहीं कुछ गड़बड़ ई लियो वचन दे कि अब पीछे हटा दो। चलो चलो सबूर कर बंसी सबूर। बड़ी बहू हाथ धोवत है। अरे वही है मसेरी वाली। आप बैठी हाथ धोवा करी है सारी रात। बड़ी बहू हो हा? कितनी बार हुआ रे? गिन तो रही है बराबर। 62 बार हुई गवा है। 62 बार और धोवो। 63 बार। बंसी हो आए सकत हो अब? बहू रानी साले बाबू आई गवा है। जाओ जाओ अंदर जाओ। बंसी तू जा यहां से। आओ इधर आओ। बैठो। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। जी वो सब तो तुम्हें साले बाबू कहते हैं। मैं तुम्हें क्या कहूँ? भूतनाथ। भूतनाथ? हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ। जी ये
चकरा दूंगे। मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। चिंता, वो प्रसाद रख दे उनके सामने। हमारे यशोदा दुलाल का प्रसाद है ये, खाओ। कम से कम खाने पीने के बारे में मत शर्माना, नहीं तो बुरा मानूंगी मैं। बंसी ने बताया तुम मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो, ठीक है ना? हाँ, पर... पर क्या जी? वहाँ वहाँ क्या? वहाँ जबा से अपनी पट्टी नहीं। जबा? वो कौन है? लड़की है, यानी हमारी कंपनी के जो मालिक है ना, सुविनय बाबू, उन्हीं की लड़की है। वैसे लड़की अच्छी है पर बातें बड़ी तीखी करती है। क्या कहा उसने? कहने लगी मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा उसका संबंधी क्या है। तब तो सचमुच बड़ी तीखी बात कही उसने। उसने और भी बहुत कुछ। अरे हम तो आपसे यूं बकबक करने लगे जैसे पुरानी जान पहचान हो। माफ कीजिए, बड़ी रात कर दी। बड़ी रात? इतने दिनों से तुम रहते हो यहाँ, फिर भी इस घर की रीत नहीं समझ पाए। यहाँ दिन सोने के लिए है और रात जागने और जगाने के लिए। यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। जी कैसा कैसा दुख? नहीं समझ सकोगे, फिर भी उसे दूर करने में मेरी मदद कर सकते हो। ये रखो। ये रुपए मोहिनी सिंदूर के दाम हैं। ये एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? जी पता नहीं। उन लोगों से पता तो करना जरा, पर चुपचाप मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना। आपने जब मना किया है तो भला हम क्यों बताने लगे? वो माँ, अगर मैं मना ना करती तो क्या सबको बता देते? मुंह खोले क्या देखते हो? जानते नहीं ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करते। जब तक को ना बताना, अभी कुंवारी है ना, समझ नहीं पाएगी। पर क्या नहीं समझ सकेगी? वो मर्दों को नहीं समझाया जा सकता, कई औरतों को भी नहीं। जिस औरत के भाव फूटे हों वही समझ सके शायद। औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा। कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा चुट्टन बाबू थी वही मसेरी वाली बड़ी बहू के बिटवा, उन्हें रासलीला खेले का बड़ा शौक है। मर गए खड़ी बाबू, हवेली की सारी घड़ियन मां चाबी दे थी। कौन है तू?
क्यों, कहाँ रहता है, क्या करता है, है? बोलना रे गूंगा है क्या तू? क्या नाम है तेरा? भूतनाथ। आपका नाम? गांव कौन? जिला? कितने घर है वहां? हवेली है कोई? बोलना रे, वहां हवेली है कोई? भाग जा, वही भाग जा, इन हवेलियों से दूर रह, मैं कहता हूं, मैं। घड़ी बाबू, घड़ी देखी है तूने? घड़ी ब्रह्मनाशिनी है, हर भ्रम को तोड़ा है उसने, महाकाल के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले, घंटे मिनट और सेकंड, वक्त की आवाज सुन और भ्रम को पहचान। राजो तख्त नहीं रहे, महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। मैं ठीक कहता हूं लड़के, ठीक, घड़ी भी यही कहती है। सुन सुन, टिक 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 टिक, ठीक 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 ठीक, भाग 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 भाग। साकिया, साकिया, साकिया।
क्या देखते हैं? डरिए नहीं, आपकी जात नहीं जाएगी। हा? जी जी हाँ दरा जी, देख हट के खा सकते हैं आप। एक नया महाराज रख लिया है हमने, परोस भी वही गया है। ना ना, हमें उस बात की चिंता नहीं थी। तो देहात के आदमी हैं हम, माना कि भात बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर भी इतना सब खाना पड़ेगा। कौन जाने बाबा, कहीं पेट में जरा भी जगह रह गई तो आप फिर मुंह ना फुला लेंगे हमसे। अच्छा एक बात तो बताइए, अगर मोहिनी सिंदूर इस्तेमाल किया जाए तो क्या सच्ची अपना सर दिखाता है? माफ करो बाबा, उसे इस्तेमाल करने की मुझे अब तक जरूरत नहीं पड़ी। वैसे कोई आपको तो जरूरत नहीं आ पड़ी। हाँ। ओ माँ, किस पे आजमाएंगे आप, कहीं मुझ पे तो नहीं? अगर ये बात है तो ठग आ जाओगे भूतनाथ बाबू। आप हंसी में न टालिए, किसी दूसरे के लिए वो सिंदूर खरीदना है मुझे, बहुत दुख है उन्हें, बहुत दुख। किसे? हम भी तो सुने। हमारी छोटी बहू को। आपकी क्या दुख है उन्हें? औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा, और कोई नहीं है? ये कौन सा दुख हुआ? होता है कुछ, यानी कि बहुत बड़ा दुख होता है, पर आप तुम नहीं समझ सको। तो समझा दो ना। कैसे समझाऊं, अभी कुंवारी जो ठहरी। कौन है ये आपकी छोटी बहू? हम नहीं बताएंगे, उन्होंने मना किया है। उनका बड़ा हुक्म चलता है आप पे? वचन जो दिया है, उन्होंने कहा है किसी को नहीं बताना, जवा तक को नहीं। मुझे भी? वो मुझे जानती है क्या? हमें ने सब कुछ बताया उन्हें। क्या बताया है सुनो तो, खूब निंदा की होगी मेरी। अरे ना, तुम्हारी निंदा तुम्हारे दुश्मन भी न करेंगे जवा, और हम तो आप तो कह भी डालो, रुक क्यों गए? छोड़ो, बुरा मान लो। अगर मान भी गई तो खाने को भात कम न दूंगी। ये तो मालूम है हमें, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है? क्या ये सारी बातें आपने छोटी बहू को बता दी? सब बता दी। क्यों बताए, उनकी तो कोई बात आप मुझे नहीं बताते, और मेरी सारी बातें उन्हें बताए? चुप क्यों हो, जवाब दो, क्यों बताए? दिखी है ये मिर्ची। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ नाम का ही नहीं अकल का भी भूतना समझती रही, पर आज जाना मक्का हो पूरे। बड़ी दीदी हो? अरे पेट पूजा का समय, ये झंडे क्यों ऊंचे किए हो? बड़ी बहू का हाथ अशुद्ध हुई गवा है बहू रानी, अलगनी पर कपड़े सुखाई रही थी कि एक मुआ कौवा आए के अलगनी पर बैठ गवा।
मत हंस मंजली बहू, मत हंस। मेरी तरह एक दिन कहीं तुझे भी ये रोग न लग जाए। मत हंस। हाय दैया, तू क्या मुंह सीलू अपना? अपनी नौटंकी दिखाकर तुम्हें तो हंसाती हो लोगों को। छोटी बहू आओ, आओ तुम भी देख लो। उन्हें क्यों तंग करती हो मंजली दीदी? वो बेचारी विधवा ना किसी के लेन में ना देन में, फिर क्यों छेड़ती हो तुम उन्हें? चुप भी रहो, बड़ी आई इनकी मरमैती। जब तुम अपने मर्द के गवैया डाले बैठी रहती हो तब मैं तुम्हें टोकने आती हूँ क्या? तुम्हारे देवर के पास मैं कब रहती हूँ मंजली दीदी? इसका मौका ही कब मिलता है मुझे? वो कभी घर में रहते हैं भला? तो बेहयाई से हाय हाय क्यों करती हो? मर्द आदमी है मेरा देवर, रईस घराने का मर्द, जब तक रात भर नाच रंग ना देखे वो मर्द कैसा? मैं गरीब घराने की बेटी हूँ मंजली दीदी, इतना जानती हूँ कि स्वामी के लिए ही औरत का जीवन है। स्वामी ही घर पर न रहे तो ये सेवर किसके लिए, ये सिंगार किसके लिए, ये जीना किसके लिए? छी 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 छी, शर्म करो शर्म गुइया। चौधरी वंश का नाम डबोल दिया तुमने। तुम जैसी मर्द के लिए तड़पने वाली औरत हमने आज तक नहीं देखी। अरे आज तक नहीं देखी। बहू, आपसे कुछ पूछना था। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपका ये मोहिनी सिंदूर यानी इश्तिहार में जो कुछ लिखा है वो होता है ना? मोहिनी सिंदूर का कारोबार मेरे पिताजी ने शुरू किया था। कट्टर सनातनी थे वो, मेरी तरह ब्रह्म समाजी नहीं। और फिर मैं भी तो बाल बच्चेदार होने के बाद ब्रह्म समाजी बना। लेकिन मैं तो मोहिनी सिंदूर के बारे वही तो बतला रहा हूँ। मेरे पिताजी को भवानी ने सपने में मोहिनी सिंदूर का वरदान दिया था। सनातनी थे ना वो, उन्हें पूरा विश्वास था इस वरदान में। जो कुछ कारोबार उन्होंने शुरू किया मैं तो वही चला रहा हूँ। लेकिन क्या आपको इसमें विश्वास? ओ धर्मदास जी, हमारे समाज के आचार्य जी आए। धर्मदास जी आइए। नमस्कार। नमस्कार, ये मेरा भांजा है सुपवित्र। नमस्कार। नमस्कार, इसी साल MA पास किया है। अच्छा, चलिए ऊपर चले। हाँ आइए। छोटी बहू आओ, भूतनाथ आओ। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेज पे प्रसाद रखा है तुम्हारे लिए। मेरी वो चीज तो लाए हो ना? जी लाया छोटी बहू। दिखाओ तो, वो सिंदूर तो दिखाओ। माँ, चिंता, छोटे बाबू हवेली में है क्या? नहीं बहू रानी, बाहर गए हैं। ओह, अच्छा सुन, रसोई घर में कह देना आज रात मैं खाना नहीं खाऊंगी। खाना लेकर कोई भी ऊपर ना आए। तू जा बंसी को देख। आज रात आप खाना क्यों नहीं खाएंगे छोटी बहू? मन की साथ पूरी करने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं भूतना। जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी। पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना, स्वामी ही औरत का देवता है। पर यहां आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते, अब तुम्हें बताओ सेवा करूं तो किसकी? सच अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं, इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है, पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है मुझे वही। बहुरानी,
आप हमें बुलाएं बहुरानी? हाँ बंसी, कल दोपहर को किसी भी तरह तुम अपने छोटे बाबू को मेरे कमरे में ला सकते हो। कैसे लाए बहुरानी, छोटे बाबू तो सारी दोपहरी टांग पसारे सोवत हैं। जैसे ही जागे तब ले आना, उनसे कह देना बहुत बीमार हूँ मैं, पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ एक बार देख जाए आकर, समझ गए ना? समझ गए बहुरानी। तुम्हें बड़ा अचरज हुआ ना भूतनाथ, सोचते हो कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी छोटी है, पर सच मानो मेरे यशोदा दुलाल जानते हैं मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोली, पर आज पति की भलाई के लिए झूठ बोला जा सकता है ना? पति की भलाई के लिए? हाँ भूतनाथ, ये रोज रोज का उनका बाहर जाना, पीना पिलाना, और आखिर कब तक तंदुरुस्ती उनका साथ देगी? भगवान करे ये सिंदूर अपना असर दिखा जाए। चिंता न कीजिए छोटी बहू, वो सिंदूर जरूर अपना असर दिखाएगा। दिखाएगा ना, मेरा मन भी यही कहता है। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है भूतनाथ, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जी। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो बंसी से खबर भेज देना, भूल ना जाना अपनी छोटी बहू को। अच्छा? नहीं भूलेंगे छोटी बहू। मुरी अंगना में जब पुर भैया चले
मुझे यहां क्यों बुलाया? गुमसुम क्या खड़ी है? बताओ। एक बार इधर तो देखो जरा, सिर्फ एक बार। कुछ भी नहीं देख पाए। क्या बकवास करती हो, मैं यहां बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं? इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाओ? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया, क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरू से सीखना पड़े, लाना तो कैसी तबीयत है अब? बड़ा ही वो है आप, उस गड़बड़ में फंसने क्यों गए भला? वो तो खैर हुई गोली पैर में ही लगी, किसी कारी जगह लग जाती तो। तो क्या अपना रोने वाला ही कौन? नहीं है कोई। मुझे तो नजर नहीं आता। हाँ, अब क्यों नजर आने लगा? वो तो आंखें मूंद के ही देख सकते हैं आप उसे। किसे? जिसका नाम लेके आप बेहोशी में भी बड़बड़ाते रहे। बड़बड़ाता रहा? जी हाँ, दिन रात। अच्छा सच सच बताइए, इन छोटी बहू से आपको क्या? छोटी बहू? बस नाम सुना नहीं और खो गए? देखने में वो बड़ी सुंदर है क्या? ये तो सिर्फ देखकर ही समझ सकोगे तुम, सुन के नहीं। रहने दो रहने दो, नहीं देखा फिर भी कल्पना तो कर सकती हूँ कम से कम। ना जब हर सुंदर चीज की कल्पना कर सकती हो तुम, पर हमारी छोटी बहू वो कल्पना से भी बाहर है। जब देखो छोटी बहू छोटी बहू छोटी बहू, उनके सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सोचता क्या? नाराज हो गए? चलो अब तुम्हारे सामने उनका नाम कभी न लेंगे। बस लो भी तो मुझे क्या, तुम्हें रोकने वाली मैं कौन होती? हाँ भाई ठीक ही तो है, मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा तुम्हारा मेरा संबंध ही क्या है? भूल नहीं सकते तुम वो बात। जब काले बाबू कहाँ हो? अरे गली गली कूचा कूचा ढूंढा तो का, तब पता चला कि हिया पड़े हो। कैसे दुखद है का? छोटी बहू तो अच्छी है न बंसी। अरे बहू रानी ये तो हुकुम, इनका का भावा दौड़ का है गई? छोटी बहू कैसे बंसी? बहू रानी ये तो हुकुम दीन है, साले बाबू को फौरन लाओ बंसी, पालकी बाहर खड़ी है चलो। पहले ये तो बताओ छोटे बाबू अब बाहर तो नहीं जाते है ना? वो सब छोड़ो साले बाबू, चोर चोरी से चला जाए पर हेरा फेरी से गवाह है कहीं?
रोज खिसक लेता है। क्या मोहिनी सिंदूर का कोई असर नहीं हुआ? छोटी बहू सिंदूर तो पहनती है ना? पहनती थी, मांग मा भी और टीका भी, छदाम भर टीका शुरू भवा रहा, रुपया भर हुई गवाह है अब तो, पर कोई फायदा नहीं। ये सब मेरा दोष है बंसी, मेरा दोष। अगर अगर मैं छोटी बहू को वो सिंदूर ले जाके न देता तो? क्या बात, तबीयत कुछ ज्यादा खराब है क्या? हम लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। अब मैं आपके यहां नहीं रह सकता सुविनय बाबू, फौरन जाना चाहता हूँ। क्यों भूतनाथ बाबू, यहाँ कोई तकलीफ है क्या? जी नहीं, आप लोगों ने जो मेरी देखभाल की है उसके लिए मैं बहुत बहुत। क्यों जाना चाहते हो? ना ना, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुक सकता। मैंने किसी को सिंदूर देकर अत्याचार किया है उन पे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? साले बाबू क्यों नहीं बताया? साले बाबू क्यों नहीं बताया? साले बाबू अब भूतनाथ कैसे हैं बंसी? अब तक तो लात फटकारे के काबिल नहीं है बहू रानी, पर डॉक्टर बाबू कह गए हैं कुछ है दिन में चौकड़ी भरे लगी है। देखो उनकी देखभाल में कोई कसर ना रह जाए, दवा दारू के लिए जितने पैसे लगे मुझसे ले जाना, समझे? समझ गई बहू रानी। बंसी वो छोटी बहू थी ना? हाँ माए बाप, ये सीढ़ी के ऊपर जो दरवाजा है ना वो सीधा बहुरानी के कमरे में जात है। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए बंसी? ये कमरा जनानी में हुआ ना? है भी और ना ही भी, चोर कमरा है ही। चोर कमरा? हाँ, पर बंसी और भी तो कमरे हैं इस हवेली में, फिर मुझे खास इस कमरे में क्यों रखा है? बहुरानी का हुक्म है इसलिए, शायद अपनी देखभाल में रखना चाहती तो का। अब हम चली, घर में तो हमें काम काज के मारे बात करेगी भी फुर्सत नहीं। अबे ओ बंसी। धन्य भाग, तुम आज यहां? जाने कहां मर जाता है ये उल्लू। तुम जरा बैठो ना, बस थोड़ी देर, मैं बुला लाती हूँ बंसी को। मैं खुद ढूंढ लूंगा। जरा सुनो तो। मुझसे कुछ काम है? नहीं, काम क्या, कई दिनों से तुम्हें देखा नहीं इसीलिए। देखा नहीं तो लो देखो, देखो देख चुकी। सिर्फ यूं देखने से मेरा मन नहीं भरता है जी, सारा जीवन तुम्हें देखती रहूं फिर भी नहीं भरेगा। क्या और पटांग बकती हो, मैंने कह दिया ना मुझे देर हो रही है। रोज ही तो जाते हो वहां, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों के ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज, कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? परख कर तो देखो एक बार, जानती हो या नहीं। मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में, इस हवेली के मर्दों की सेवा करना हमारी बहुओं के बस का रोग नहीं। मैं दूसरी बहुओं जैसी नहीं हूँ जी, गरीब घर की लड़की हूँ, स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी? मेरा गाना पसंद आएगा तुम्हें? वो तुम्हारा भजन नहीं, मस्ती में डूबा हुआ गाना, जैसे चुन्नी दासी गाती है। गा सकोगी? नाच सकोगी मेरे सामने? शराब पी सकोगी मेरे साथ? शराब? हाँ शराब, बोलो सारी रात शराब पियोगी मेरे साथ? नशे की मस्ती में झूम सकोगी मेरे सामने? सेवा का मौका चाहती थी ना तुम, तुम क्या सेवा करोगी मेरी? भूतनाथ,
इधर आओ। इधर आओ भूतनाथ, यहाँ हूँ मैं। बत्ती क्यों नहीं जलाई छोटी बहू? आज तुम मेरी शक्ल ना देखो तो अच्छा है। आज मैंने तुम्हें एक ऐसे काम के लिए बुलाया है जो गृहस्थ औरतों के लिए शायद डूब मरने की बात है। डूब मरने की बात? हाँ भूतनाथ, पर तुमसे न कहूँ तो कहूँ भी किसे? तुम्हारे सिवा मेरा दुख और कौन समझ सकता है? क्यों बुलाया है आपने? किसी को पता न चले, शराब ला तो मेरे लिए। शराब? हाँ। शराब पियेंगे आप? पीनी ही पड़ेगी, जैसी सेवा वो चाहते हैं वैसी ही करूंगी मैं। वो चाहते हैं कि मैं शराब पीऊं, जरूर पीऊंगी। ये क्या कहती है? अगर उस गंदी चीज की लत लग गई तो मिट जाएंगे आप? मिट जाऊं तो भी क्या, जो औरत अपने स्वामी की नजरों में ही ना रह सके उसका इस दुनिया में भी रहना बेकार है भूतनाथ। आप कितनी ही बहस करें, मैं शराब वराब नहीं लाऊंगा आपके लिए। ये मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है भूतनाथ, तुम्हें शराब लानी ही होगी। हरगिज नहीं। नहीं लाओगे तो मैं स्वामी को कभी भी ना पा सकूंगी, तुम्हें लानी ही। नहीं छोटी बहू, नहीं, आप बर्बाद हो जाए ये मैं कभी नहीं देख सकता। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? अगर तुम सचमुच चाहते हो कि मैं तुम्हारे छोटे बाबू के साथ सुखी रह सकूं, तो ये उपकार कर दो मुझ पे, शराब ला दो। तुम्हें मेरी कसम। छोटी बहू, छोटी बहू। यशोदा दुलाल। छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ चले गई थी तुम? तुम्हारे लिए मेवा लाने। मेवा तो पहले ही से यहाँ पड़ा है, अब बहाने नहीं चलेंगे। लो पियो। तुम पियो ना, मैं फिर पी लूंगी। अरे मैं तो कब से पी रहा हूं, अब तुम लो। चलो चलो शुरू हो जा। बस। टूट गई हिम्मत? ना ना वो बात नहीं जी, ज्यादा नशा तो नहीं होगा ना? जितना नशा होगा उतनी ही सुंदर नजर आओगी। लो पियो। तुम
उधर देखो ना। भाई वाह, हम ही से शर्म। अब पियो भी। कड़वी है। मूर्ख, यूं नहीं। ताजो तख्त नहीं रहे, महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। अरे आओ भूतनाथ बाबू, आओ। बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी हम दोनों तुम्हें याद कर रहे थे। हमारा संदेशा तुम्हें मिल गया था ना जी? आओ। आपकी तबीयत कुछ? हाँ, उसी दिन से जिस दिन तुम यहां से गए थे। भूतनाथ बाबू, मोहनी सिंदूर का कारोबार मैंने बंद कर दिया। बंद कर दिया क्यों? तुम पूछते हो क्यों? भूतनाथ बाबू, तुमसे बहुत सी बातें करनी है, बहुत सी। जबा बेटी, जाओ पत्र तो ले आ। जी। जा। भूतनाथ बाबू जी, कई दिनों से मैं एक अजीब शक में डूबा हुआ हूं। अजीब शक। कैसा शक? क्या तुम्हारा जन्म स्थान फतेहपुर है, नदिया जिले वाला? जी हाँ। क्यों? क्या बचपन ही में तुम्हारे सर से तुम्हारे माँ बाप का साया उठ गया था? जी, 4 बरस का था तब मैं। ढलती उम्र में मेरे पिताजी भी फतेहपुर जा बसे थे। क्या तुम्हारे पापा का नाम? एले बाबा। लो जी, ये 500 रुपए हैं तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन मैं ना। ना, इसे रख लो। मास्टर बाबू तुम्हारी देखभाल मुझे सौंप गए थे और मैंने दफ्तर बंद करके तुम्हारी नौकरी भी खत्म कर दी। इन रुपयों से इनकार ना करो भूतनाथ बाबू, वरना मुझे चैन न मिलेगा। लेकिन रख भी लीजिए, क्या इस बीमारी में बाबा का दिल तोड़ेंगे आप? और हाँ, ये पत्र रूपचंद बाबू के पास ले जाओ, वो यहाँ के बहुत बड़े कंट्रैक्टर हैं, तुम्हें कोई अच्छी नौकरी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहनी है तुमसे, तुम तो जानते हो जवा मेरी इकलौती बच्ची है और अब ब्याह के योग्य हो चुकी है। बाबा, डॉक्टर बाबू ने ज्यादा बातचीत करना मना किया है। नहीं बेटी, अपने भूतनाथ बाबू से कह दी लज्जा। मेरी तंदुरुस्ती की हालत तो तुम देख ही रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं अगले महीने जवा के हाथ पीले हो जाए। तुम्हारी मदद के बिना मैं वो कर्तव्य पूरा ना कर सकूंगा भूतनाथ बाबू। जी, मैं भला किस? ना ना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ठहरा बीमार आदमी, इसलिए बारात की देखभाल तुम्हें करनी होगी। हाँ भूतनाथ बाबू, एक बहुत अच्छा वर मिल गया है, सुपवित्र नाम है उसका। सुपवित्र? हाँ। सुविनय बाबू। आइए धर्मदास बाबू, आइए। मैं फिर आऊंगा।
तबीयत कुछ खराब है छोटी बहू? तबीयत क्यों खराब हो? आजकल तो तबीयत पे सदा हरियाली छाई रहती है रे, हरियाली। ये कुछ रुपये हैं, मैं आपके पास रखवाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई बक्सा वक्सा नहीं है ना, इसीलिए। बक्सा नहीं है? तुझ पे हजार बक्से निछावर हैं रे, बंसी को तो बुला जा। जी नहीं, आप इन्हें अपने ही पास रख लीजिए, मैं कहाँ संभालता फिरूंगा। बुद्धू नाथ,
तेरी छोटी बहू मर तो नहीं गई रे? मेरे पास आ। अरे और पास आना रे। मुझसे डर लगता है क्या? ले खोल ले चाबी, मुझसे अब नहीं होगा। ओ, वो उधर है ना तिजोरी, उसमें अपने रुपए रख दे। हाँ वो गिलास तो दे जरा, सारा बदन कुछ कसमसा रहा है। आपकी ये सारी तकलीफ इस शराब के ही कारण है छोटी बहू। तू नहीं जानता रे, इसे पीते ये बैरी बदन एकदम चुस्त हो जाएगा। दे दे भी। दिखता है आपको नशे की लत लग चुकी है। तो मुझे नशे की लत नहीं लगी रे, बल्कि बल्कि क्या? मेरे स्वामी, उन्हीं के नशे में चूर रहती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं पीऊं, पीती हूँ। जानता है अब वो हर रात घर पर ही रहते हैं। मैं बहुत सुखी हूँ आजकल, देखता नहीं कुछ मोटी भी होने लगी। ला वो गिलास दे इधर। नहीं छोटी बहू, वैसे ही डगमगा रही हो, अब और नहीं पियोगे तुम। क्या कहा? मैं अपने स्वामी की बात ना मानकर तेरा कहा सुनूं? इधर ला वो गिलास, पीऊंगी और मौत पीऊंगी। तो लो पियो, उन्हें ले जाओ सारा गिलास, शांत कर लो अपनी आत्मा। हाँ हाँ पीऊंगी, देखो मेरा क्या बिगाड़ता है तू। ये लगी पीने। छी छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? इसमें शर्म की कौन सी बात है रे? चौधरी वंश में आज तक जो किसी मर्द ने अपनी पत्नी के लिए नहीं किया, छोटे बाबू ने वो किया है मेरे लिए। अब वो सिर्फ मेरे हैं, मेरे। मुझे शर्म नहीं, नाज है इस बात पे, नाज। और पियोगी क्या? पियोगी तो तुझे क्या? नहीं, अब नहीं पीने पाओगी। क्यों? मुझ पे कुछ जोर है तेरा? हाँ हाँ है, छोटे बाबू के सामने जो जी चाहे करो, लेकिन मेरे सामने नहीं पी सकोगी। इधर ला बोतल। तूने मुझको हाथ लगाया? पराई स्त्री को छुआ तूने? निकल जा यहाँ से, निकल जा, मैं कहती हूँ निकल जा यहाँ से, चला जा। पराई स्त्री को हाथ लगाया, निकल जा। अच्छा है सरवीन अफसर, ओवरसियरी का काम काफी तेजी से सीख रहे हो। कागजात घर ले जाकर काम करते हो क्या? जी नहीं, यही रोज काफी रात तक बैनर्जी बाबू के साथ यही काम सीखता हूँ। रोज काफी रात तक, यानी कई दिन से तुम्हें सुविनय बाबू के यहाँ जाने का समय तो न मिला होगा। जी नहीं,
तो आज ही जाओ वहां। सुविनय बाबू बहुत बीमार है। बाबा तो ठीक है ना जबा? सुपवित्र सो गए, जगाओ इन्हें। थक गए होंगे शायद इसीलिए। फौरन जगाओ इन्हें और कहो ये अपने घर जाए। मगर क्यों जबा? बाबा की वैसी हालत, फिर ये कैसे जा सकते हैं? होने वाले दामाद के नाते आखिर इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। ना ना, अब हमारी तरफ इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर ये ना भी जाना चाहे तो भी नहीं जाना होगा। सुपवित्र, बाबा कैसे हैं जबा? आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया भूतनाथ बाबू? तुम घर जा सुपवित्र। घर जाऊं? क्यों जबा? और अब यहां कभी ना आना, हो सके तो मुझे भुलाने की कोशिश करना। ये सब तुम क्या कह रहे हो जबा? जो कहते हो करो, चले जाओ यहां से, जाओ। भूतनाथ बाबू, उस कमरे में चलिए, बाबा चल बसे। लटक तो अपन जाए। उस दिन भैरव बाबू कह रहे थे कि मंजले बाबू वो जो एक नई आई है ना मोटर गाड़ी खरीदने वाले हैं, यानी अपनी नौकरी गोल। अबे तो हमार नौकरिया कौन जंदा गाले है ना? जमींदारी चली गई तो कौन हमार हुक्का पी है वाला? सब बिलायती बीड़ी कैंची चाप चुरु ठुकिया चंद्रा तो हमार का हो। गाँव की जमींदारी बेच कर कोयले की खदान चलाएंगे, जाने किस उल्लू ने भड़काया है इन बाबू लोगों को। सेठ जी, झरिया की अच्छी खदाने छोड़कर आपकी खदाने खरीदवा रहा हूँ अपने बाबू लोगों से, और उस मेहरबानी के लिए सिर्फ 50,000 रुपया दे रहे हैं आप मुझे। अच्छा भैया, ये लो 10,000 रुपये और रोबतन साहब आप रखिए ये 20,000 का चेक। थैंक यू। आइए छोटे बाबू आइए। नमस्कार। विद्यु, जांच पड़ताल कर ली? सब ठीक है ना? जी हाँ सरकार, खदानों के एक्सपर्ट रोबटम साहब ने खुद जांच पड़ताल की है, बड़ी अच्छी खदानें हैं। यस मिस्टर चौधरी, इसकी कोल माइंस बहुत अच्छा है। छोटे बाबू ये एग्रीमेंट पढ़ लीजिए। दस्तखत करने की जगह कहाँ है? पहले यहाँ। अरे पर मंजले बाबू कहाँ हैं? उनके भी तो दस्तखत हो जाएंगे। सरकार, घेनी दत्त के कबूतर उड़े। क्या बात है? उन चौधरी लोगों ने क्या चूड़ियां पहन लिया है? अभी तक हमारी टक्कर में नहीं आए। अपने भी उड़ाओ। आ गए सरकार, आ गए। वो रहे कबूतर। दांत खट्टे करते इन चौधरियों के। हाँ हाँ
खदान के कागजात पे दस्तखत। सरकार दुश्मन के चार पांच कबूतर तोड़ लाए हमारे बहादुर। मुकुंद जी, 1000 रुपए ले जाओ इन चौधरियों के पास और कह दो कि हमारे चारों कबूतर वापस करते हैं। जी सरकार। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ भूतनाथ, आओ। मुंगेर में हमारे नए कंट्रैक्ट का काम शुरू होने वाला है, मुझे वहां एक भरोसे का आदमी चाहिए और अगर तुम चले जाओ तो मेरी काफी फिक्र दूर हो जाएगी। कब जाना होगा मुझे? आज रात की गाड़ी से और वहां कई महीनों तक रहना होगा। जाओ भोज बाबू से अपने खर्च बच के पैसे ले लेना। जी। जपा चलो खाना खा लो। आखिर कब तक तुम अपने आप पे यूं अत्याचार करती रहोगी? सिर्फ अपने आप पे ही नहीं, सुपवित्र पे भी अत्याचार कर रही हो तुम। सुपवित्र पे? और नहीं तो क्या, बाहर मिले थे वो मुझे, तुमने उनका यहां आना जाना क्यों बंद कर रखा है? अब मैं उन्हें यहां कैसे आने दूं भूतनाथ बाबू, अब कैसे आने दूं? पर क्यों नहीं जपा, बाबा उनसे तुम्हारी मंगनी कर गए थे ना, तो अब क्या अड़चन है तुम दोनों के ब्याह में? तुम दोनों ही तो ब्राह्मण समाजी हो। हैं तो, पर समाज के बंधनों के लिए मैं दूसरे बंधन कैसे तोड़ दूं भूतनाथ बाबू? जन्म जन्म के बंधन है जो, उन्हें कैसे तोड़ दूं? जपा क्या तुम साफ साफ कहो ना, क्या तुम? बाबा जिस दिन गुजरे वो दिन याद है ना आपको, आप और सुपवित्र दूसरे कमरे में थे। हाँ हाँ याद है। उस दिन कुछ हुआ भूतनाथ बाबू, वो सब एक सपना सा है मेरे लिए, उसने मेरी काया ही पलट दी। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भूतनाथ बाबू, उस दिन बाबा ने मुझे पहली बार बताया, जब मैं 1 बरस की थी तब मेरे दादा मुझे बाबा के घर से चुरा के ले गए और सनातनों के घर में सनातनी ढंग से मेरा ब्याह कर दिया। ब्याह? तुम्हारा ब्याह? हाँ, जब मैं 1 बरस की थी। दीदी मनी। अरे अरे ये क्या रही आसीन, ये सूरज आज किधर से निकला? छोटे बाबू फिर बाहर जाने लगे? जी सरकार। अरे चिड़चिड़ी जी हो छोटे बाबू, चिड़चिड़ जी हो, भगवान करे तुम्हारी याची कभी ना छटे। गाड़ी तैयार है माए बाप। अच्छा गाड़ी, क्या फिर बाहर जाओगे तुम? कई महीनों घर में बैठे बैठे दम घुटने लगा है, आज जरा तफरी करूंगा। सच सच बताओ जी, इतने दिनों तुम रहे यहाँ, तुम्हें मुझसे सुख नहीं मिला? मिला, लेकिन पत्नी से सुख ही मिलता है छोटी बहू, वो बात नहीं जो। सुनो तो, न जाओ सैया छुड़ा के मैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी
तो उसमें कौन सी नई बात करोगी तुम? हर पत्नी का यही धर्म है कि वो पति के घर में जिए और वहीं मरे। तो फिर एक काम करो, ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये क्या कहा तुमने? हाँ जी, उन लोगों की तरह मुझे भी ले जाके अपने बागान बाड़ी में रख लो, मैं वहां खुशी से रहूंगी। तब तुम्हें रोज देख तो सकूंगी। वो लोग अपना नाम बदल के रहती है ना, चाहो तो मेरा भी नया नाम रख लो, जो भी तुम्हें पसंद आए। होश तो ठिकाने हैं तुम्हारे, अगर तुम इस तरह बाहर रही तो बड़ी हवेली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं तुम्हें बताओ? वही जो बड़ी भाभी और मंजली भाभी करती हैं, गहने तोड़वाओ, गहने बनवाओ और कौड़ियां खेलो, सो आराम से। ये बेमौका हंसी कैसी? तुम बड़ी दीदी और मंझली दीदी से मेरी तुलना कर रहे हो? मैं गहने बनवाऊं, मैं गहने तोड़ूं, कौड़ियां खेलूं बैठे बैठे? जाते कहाँ हो, जवाब दो मुझे। तुमने मुझे दूसरी बहू जैसा समझ रखा है ना, किस बिरते पर? मगर तुम क्या उनसे अलहदा हो, आसमान से उतरी हो क्या? हाँ हाँ अलहदा हूँ, अलहदा ना होती तो मेरे नसीब में ये दुख क्यों? आज तक किसी दूसरी औरत ने इतना बड़ा बलिदान दिया है भला? हिंदू घर की बहू होकर शराब पी लीजिए ना। चुप क्यों बोलो, मैं कहती हूं जवाब दो मुझे। किस मुंह से मेरी तुलना तुमने दूसरी बहुओं से की? जो कुछ उनके पास है वो मेरे पास, वो सब क्या दे सके तुम मुझे? मुझे 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 मां कहकर पुकारने वाला छोटी बहू, क्या कहना चाहते हो? कौन है, क्या कहना चाहते हो? शराब मैं भी पीता हूं, मगर तुम्हारी तरह नशे में पागल नहीं हो जाता। तुमने मुझे पागल कहा? पागल कहा तुमने मुझे? तुमने मुझे पागल कहा?
मियाँ जान हो, गाड़ी जुटो तुरंत, छोटी बहुरानी बाहर चाहिए। क्या कहा? छोटी बहुरानी बाहर जाएंगी? सचमुच बंसी, छोटी बहुरानी? छोटी बहुरानी बाहर जाएंगी? सरकार गजब हो गया, जान बाजार में छेनी दत्त से छोटे बाबू की मारपीट हो गई। छेनी दत्त, उसकी ये हिम्मत। बहुरानी, बहुरानी, छोटे बाबू, क्या हुआ छोटे बाबू को? बेहोश होकर लौटे हैं बहुरानी, फोन मत दर बदर। साले बाबू, कब लौटे हो? हवेली की ये क्या हालत हो गई मुंशी? अरे अभी तो कुछ नहीं देखियो, उधर देखो, अस्तबल, घोड़ा गाड़ी सब बिक गवा है। और छोटी बहू वो कैसी है? अरे और कैसी होंगी, जिस दिन से छोटे बाबू खून में डूबे लौटे हैं, उसी दिन से खटिया पकड़ लीन है। लोग कहते हैं छोटे बाबू को लकवा मार गवा है। पहले जो नशा वसा करत रहे ना, वो सब बंद है आजकल। पर छोटी बहू बंसी, उनका हाल तो नहीं बताया तुमने? अरे ना पूछो, तब ठीक है। ई घर का से का हुई गवा, अब देखो ना साले बाबू, 7 महीने हुई गवा, पर हमको तनख्वाह नहीं मिली। पर बंसी, यहाँ की हालत हुई कैसे? और कैसे, वही कोयले के खदान से सारा काम चौपट हो गया। बाबू लोग देख सुनकर तो खरीदा नहीं, धोखा खाई गए। ऊपर ऊपर कोयला निकला, नीचे सारा पत्थर। वो देखो ना कहा हो रहा है, देखो वो देखो कहा हो रहा। हमें वायदली रकम चाहिए, रकम पूरे 1,500 है मेरे, और मेरे 5,000 है, और मेरे 3,000 रुपए है, निकालो फौरन, जल्दी करो, जल्दी करो। भैया 2 दिन और, जहाँ इतना दिन सब्र किया, 2 दिन और आने वाले है रकम। अच्छा हुआ, मेरे काम तो कर दे, जरा थोड़ी सी शराब ला दे। अब तक तुम उसे छोड़ नहीं सकी छोटी बहू? छोड़ दूंगी, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगी।
ले। गाड़ी? हाँ रे, इसके सिवा कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। फिर भी इसे तुम बेचना चाहती हो, उस गंदी चीज के लिए। तुम समझती हो कल से तुम उसे छोड़ दोगी, सारी जिंदगी नहीं छूटेगी वो तुमसे। क्या? बड़ी हवेली की ये हालत, उधर छोटे बाबू बीमार, और अब भी तुम्हें होश नहीं आया? आखिर तुम हो क्या? ये तू कह रहा है मुझसे? तू? जरूर कहूंगा। पीने के चाव में खुद अपनी दुश्मन हो गई हो तुम। तुम्हें घर बार कुटुंब पति किसी का भी ख्याल नहीं रहा। तुम चुप रह। बड़ा चला है नसीहत करने, मुझे पति को ख्याल नहीं तो और किस पत्नी को है बता दो। पति को पाने के लिए मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपने अपने ये शोधा दुलाल तक को भूल दिया मैंने, और तू कहता मुझे पति का ख्याल नहीं। कैसे कही तूने ये बात? कैसे कही तूने ये बात? बोल, कैसे कही तूने ये बात? कौन कौन है वहां? बैनी सरकार। कौन था वो? मास्टर बाबू के साले थे सरकार। कुछ कहना चाहते हो? मुझे सुखी करना चाहती हूँ। तन मन से तो शराब छोड़ दो छोटी बहू, इसे छोड़ दो। बहुत ही सत्यानाशी नशा है, छोड़ दो। मैं क्या करूं जी, मुझसे नहीं छूटती। ठीक ही है, मर्द छोड़ सकता है, औरत। मैं दूसरी औरतों जैसी नहीं हूं जी, दूसरी औरतों जैसी मैं नहीं हूं। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, तुम्हारे लिए पीना शुरू किया, तुम्हारे लिए उसे छोड़ भी सकती हूं, तुम्हारे लिए उसे तो जरूर छोड़ दूंगी, बिल्कुल छोड़ दूंगी। तुम देख लेना, तुम देख लेना, कल से एक बूंद भी नहीं पीऊंगी। पीओगी ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं पीऊंगी, जरा भी नहीं पीऊंगी, एकदम नहीं पीऊंगी। हाल ही में मुंगेर से लौटा हूं मैं, फुर्सत मिलते ही तुम्हारे पास चला आया। इस बीच में मैंने भी आपको बहुत याद किया। सचमुच चबा? आप नदिया जिले के हैं ना, मेरा ब्याह वहीं हुआ था। पर जबा, अगर ससुराल वाले तुम्हें अपनाना चाहते तो आज तक चुप क्यों बैठते? कौन जाने चुप बैठे या नहीं, ये भेद तो सिर्फ बाबा को ही पता होगा जो अपने साथ ले गए। अरे पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली हो? फिर भी मैं उनकी पत्नी हूँ। मुमकिन है वो बच्चलन हो, वो तुम्हें सुखी न कर सके। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुमकिन है वो तुम्हें अधर्मी समझता हो, फिर भला वो अपनाएगा तुम्हें? यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ भूतनाथ बाबू, पर आप मुझे ये जानने से रोक क्यों रहे हैं? जबा, नहीं जबा, जो भी तुम्हारे मन की साध है मैं जरूर पूरी करूंगा। जाओ उनका पता ला दो। उस दिन पुराने कागजात छानते छानते अचानक एक पत्र पे मेरी नजर पड़ गई। मेरे ब्याह के बाद मेरी दादी ने दादा से छुपा के मेरे बाबा को एक पत्र लिखा था, इसमें उनका पता ठिकाना सब कुछ है। हाँ,
चुल्ली चक्रवर्ती। मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हैं? आप उन्हें जानते हैं क्या? शायद शादी के बारे में ठीक तरह से पता करना होगा। जब से जमींदारी गई है हुजूर, अब तो हमारे लिए कोई काम काज ही नहीं निकलता। आजकल बुरे हाल हैं सरकार, औजारों में जंग लग गया है। बाबू फुर्ती करो फुर्ती, तो कहा छोटी बहुरानी के साथ बड़े नगर जाना होगा। हा? बड़े नगर इस वक्त? हाँ हाँ, एक बड़े साधु के पास। अरे हम तो कब से किराया की घोड़ा गाड़ी ले आए, पर तोरी राह देख देख के सांझ हुई गई। उधर छोटी बहुरानी सवेरे से तोहका पूछे थी। तुम घबराना नहीं हो, बस मैं गई और आई। सुना है बड़े नगर वाले महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वो तुम्हें तुम्हें जरूर अच्छा कर देंगे। हाँ जरूर अच्छा कर देंगे जी। जल्दी ही लौटूंगी मैं, बस गई और आई, गई और आई। मुझे बुलाया तुमने? बस मैं गई आई। चल रे भूतनाथ जल्दी। पोछवान से कहो गाड़ी जरा तेज। कौन गया? अपने मास्टर बाबू का साला था सरकार। छोटी बहू। अब छोटे बाबू कैसे हैं? उन्हीं के लिए तो परेशान हो रही। कुछ दिनों से उनकी हालत भगवान करे मेरी उम्र लग जाए उन्हें। मेरी उम्र जब मैं मर जाऊं तो खूब सजाना मुझे, सुना? खूब सजाना और मांग मांग सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी चल बसी।
ऐसा ना कहो छोटी बहू, ऐसा ना कहो। इसी में मेरा मोक्ष है रे, इसी में तो। भगवान करे मेरी उम्र लग जाए नहीं। जी, तू मुझे जितना समझता है और कोई भी नहीं समझ सका, कोई भी। सुन, तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता? ब्याह? हमारे गृहस्थी की सुखी मुझे बड़ी साथ धीरे, अपनी बहू का उधर आलते से स्वागत करती। बहू लिया जी भर के सजाऊंगी उसे। मेरा ब्याह हो चुका है छोटी बहू। सब का हुई गवाह साले बाबू। छोटी बहू का कुछ पता चला भर से? कोई पता नहीं। जौन दिन आप दोनों गाड़ी में बड़े नगर चले गए, वही दिन हमका मजली बाबू हवेली से निकाल दी। अब हम स्टेशन पर हमाली करत हन। लेकिन दूसरे नौकरों से पूछताछ नहीं की? छोटी बहू कहाँ चली गई? बहुत पूछताछ की, लेकिन छोटी बहुरानी का नामो निशान नहीं मिला। सारी हवेली उजाड़ हो गई साले बाबू। मजले बाबू हवेली छोड़ के ससुराल जा बैठे। और छोटे बाबू, वो तो हवेली में है ना? छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू तो गुजर गए। सिंदूर से भर देना रे, ताकि लोग कह सके सती लक्ष्मी जल बसी, सती लक्ष्मी जल।